हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। बाइक से 4-5 बार गिरने के बाद मैंने सोचा कि एक काउंटर बैलेंस और बैलेंस की प्रैक्टिस की जाए, तो इसलिए मैं अभी फर्स्ट प्रैक्टिस 5 कोन्स के साथ कर रहा था। मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज़ किए, जहाँ पे मैंने बिना टॉप टॉप बॉक्स के पहले प्रैक्टिस किया, ताकि मेरे हैंडल बार्स पे वेट डिस्पर्शन ज़्यादा ना हो, और फिर मैंने टॉप बॉक्स के साथ ट्राई किया जबकि वेट डिस्पर्शन मेरे हैंडल बार्स पे काफ़ी था। जब भी आप किसी वेट के साथ या पिलियन राइडर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो आपके बाइक के हैंडल बार्स बहुत ही स्टिफ़ और हार्ड हो जाते हैं और इन्हें मनूवर करना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही साथ जब आप ऐसी जगह जाते हैं या बहुत सारे टर्न्स हैं, तब आपको बैलेंसिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। आपके बैलेंसिंग और काउंटर बैलेंसिंग जो है, वो फुट पेग्स पे कितना प्रेशर आप लेफ्ट साइड डालेंगे, राइट साइड डालेंगे, टर्न करते हुए कितने डिग्रीज़ का टर्न होगा, ये सब सोचना पड़ता है। जनरली हम लोग नॉर्मल बाइक्स चलाते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बाइक का वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है ज़्यादातर बाइक्स का, ज़्यादा सिटी बाइक्स का। बट एडवेंचर बाइक्स में जो वेट होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट होता है, ज़्यादा होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी होती है। तो इसीलिए इन हैवी बाइक्स को मैनेज करना एक तरीके से आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होता है, और मुश्किल तब हो जाता है जब आप एक साइड फॉल करते हैं, और क्योंकि ये बाइक स्ट्रांग और इनके फुट पैक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आपका पाँव इन फुट पैग्स के बीच में और रोड के बीच में आता है, तो आपको काफ़ी गहरी चोट लगती है और पाँव पे कट्स लगते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। इस प्रैक्टिस से काफ़ी हेल्प मिलता है, आपका फोकस बनता है, आपका राइडिंग पोजीशन राइट होता है, और आप अपनी मशीन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में राइड करते हैं, तो आपके हैंडल बार्स पे कम से कम प्रेशर होना चाहिए, आप उनको स्टिफली नहीं पकड़े, और आपके फुट पैग्स पे आपका बैलेंस लेफ़्ट राइट मूव होना चाहिए, ताकि आप इजीली बाइक को फ्रीली मनूवर कर सकें। अब क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस 5 कोन पे कर रहा था, जो कि बिगनर्स प्रैक्टिस है, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम कि मैं 10 कोन्स या 7 to 10 कोन्स पे करूँ, जिससे कि मेरा बैलेंस और काउंटर बैलेंस और स्ट्रांग हो। और जाने से पहले एक सुझाव कि हिल्स पे ना जाएं, क्योंकि हिल्स ट्रैवल करके खुद सिटीज़ में आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड राइड सेफ।